बिहार में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक होने के बाद एक ही दिन में रिपोर्ट लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन नगर निकाय चुनाव कराना आसान नहीं हुआ। पिछड़ों को आरक्षण देने में नीतीश सरकार की बाजीगरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले फिर से सर्वोच्च न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग यानी कि तत्काल सुनवाई की गुहार लगाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर तत्काल सुनवाई पर राजी हो जाता है तो घोषित तिथि पर नगर निकाय चुनाव करा पाना बेहद मुश्किल होगा। बता दें कि बुधवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि उसे 30 नवंबर को ही राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी। उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को दो फेज में नगर निकाय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था वैसी ही रहेगी जैसे अक्टूबर में घोषित चुनाव में थी। उम्मीदवारों को फिर नामांकन भी नहीं कराना होगा, उनका चुनाव चिन्ह भी वही रहेगा, सिर्फ तारीख नहीं होगी। जो चुनाव पहले 10 अक्टूबर को होने वाला था वह अब 18 दिसंबर को होगा। जो चुनाव पहले 20 अक्टूबर को होने वाला था अब वह 28 दिसंबर को होगा। दरअसल राज्य सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग ने आनन फानन में एक ही दिन में आरक्षण को लेकर रिपोर्ट भेजने से लेकर चुनाव का डेट घोषित करने की कवायद तब की जब 30 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने याचिका दायर करके ये आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनाव में बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि किसी राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट कराने वाले आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्ग की पड़ताल के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस आयोग की सिफारिश के मुताबिक ही आरक्षण का अनुपात तय हो सकेगा। याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार जिस अति पिछड़ा आयोग से आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार करा रही है वह डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पक्ष रखने के लिए बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखना था। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंचने में कुछ दिनों का वक्त लगता। इसी बीच 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सार्वजनिक हो गया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसी दिन आनन फानन में निकाय चुनाव का डेट जारी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की है उसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग करार दिया गया है। चुनाव की अधिसूचना में यह कहा गया है कि डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर चुनाव की घोषणा की जा रही है। ये तब हुआ जब 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। इस बाबत जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने और अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानने का आदेश दिया है। कागजी तौर पर इस आदेश की प्रति राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग तक पहुंचने में 4-5 दिनों का वक्त लगता है, उसके पहले ही ये सारी घोषणा कर दी गई। एडवोकेट राजेश अग्रवाल के मुताबिक जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ये कहेगी कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी ही नहीं थी, हमें कोई कॉपी ही नहीं मिली थी। एडवोकेट राजेश अग्रवाल के मुताबिक निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अपने ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए डेडिकेटेड आयोग बनाने को कहा था। बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ये काम सौंप दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड आयोग नहीं है, इसका मतलब
यही निकलता है कि अति पिछड़ा वर्ग में आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण कैसे तय हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने आनन फानन में चुनाव कराने का फैसला लिया है तो याचिका करने वाले सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं। वैसे में जो डेट आई है उस पर रोक लग सकती है।